हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरोही मोटर्स। और आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया और ठंडी दिनों में हमारी जो गाड़ी है उसमें नमी या मॉइस्चर आ जाती है ठंड की वजह से, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी है वो एक जब भी हम सेल्फ लेते हैं तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम दिक्कत लेती है। तो हम ऐसे कौन कौन से ट्रिक या तरीके आजमाएं जिसकी वजह से जो हमारी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए, और इससे कौन कौन से प्रॉब्लम होए जिनकी वजह से हमारी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम लेती है और उसका समाधान भी हम साथ साथ में जानेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसे आपको ऑटोमोबाइल से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर दिन मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट नंबर पर है इंजन ऑयल। बेसिकली क्या होता है कि अभी ठंड के मौसम है जिसकी वजह से अभी जो हमारे इंजन ऑयल है उसमें मॉइस्चर या नमी पन आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा इंजन ऑयल है वो चिपचिपापन गाढ़ापन आ जाता है, जिसकी वजह से जब भी हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ लेते हैं तो अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता है गाढ़ा होने की वजह से, जिसकी वजह से हमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो गाइस, इसके लिए हमें जो सर्दियों में अच्छे इंजन ऑयल, जो अच्छे ग्रेड वाले इंजन ऑयल होते हैं विंटर ग्रेड वाले, उस टाइप के हमें इंजन ऑयल हमें सर्विस में कराना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारे स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो हमें देखने को ना मिले। दूसरा दोस्तों, आपका स्पार्क प्लग, जैसे कि हम काफी दिनों से हमारा जो स्पार्क प्लग है उसको हम चेंज नहीं करवा रहते हैं, और जैसे हमारा ठंड के दिन आता है तो उसमें जो करंट है उत्पन्न ना वो अच्छे से हो नहीं पाता, सही ढंग से करंट सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो हमारे स्पार्क प्लग है अच्छे से करंट जनरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। या इन केस कई बार क्या होता है, जो काफी दिन से हम चेंज नहीं करवा रहते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं करवा रहते हैं हमारे स्पार्क प्लग को, तो उसमें रस्ट या गंदगी या कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से भी हमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो गाइस, इसके लिए हमें जो अगर हमारा जो स्पार्क प्लग है वो काफी दिन हो गया है तो हमें न्यू स्पार्क प्लग चेंज करवा देना चाहिए, या नहीं तो हमें जो स्पार्क प्लग है उसको अच्छे से पेट्रोल से साफ करके, एमरी पेपर से साफ करके फिर से अगर हम लगाए तो जो हमारा स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो इशू है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर है दोस्तों इग्निशन कॉइल। क्या होता है, जो अभी ठंड के मौसम में इग्निशन कॉइल में भी मॉइस्चर या नमी पन आ जाती है, जिसकी वजह से जो बैटरी से करंट आता है वो अच्छे से करंट सप्लाई नहीं दे पाता है हमारे स्पार्क प्लगों में, जिसकी वजह से जो इग्निशन कॉइल है उसके कारण भी हमारा जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो गाइस, हमारा जो हमारा इग्निशन कॉइल है उसको भी हमें जो देख लेना चाहिए कि अगर ज्यादा ही पुराना है तो उसे हमें रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए। चौथा है दोस्तों आईटी सेंसर। अब क्या होता है, जो ऐसे ठंड के दिनों में नमी होने के कारण जो हमारा आईटी सेंसर है कई बार अच्छे ढंग से प्रॉपर काम नहीं करता, जिसकी वजह से जो एयर का जो रेटियो वो अच्छे से हो नहीं पाता, फिल्म मिक्सर अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भी हमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो गाइस, जो हमारा आईटी सेंसर है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए समय रहते हुए, जिससे हमारा जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो हमें देखने को ना मिले। तो गाइस, अब पांचवें नंबर पर है चोक सिस्टम। जैसे कि आप लोग जानते हो जो पुरानी मारुति की गाड़ियां आती है उसमें आपका चोक सिस्टम दिया रहता है, या आपका जो बाइक है उसमें भी चोक सिस्टम दिया रहता है। जैसे कि ठंड के दिनों में सुबह जो मॉइस्चर नमी होती है, जिसकी वजह से जो फ्यूल डिलीवरी है बिना चोक उठाए अगर आप स्टार्ट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम जो फ्यूल की डिलीवरी बहुत ही कम देता है। अगर आप चोक है, अगर आपकी जो मारुति 800 पुराने मॉडल उसमें चोक सिस्टम दिया रहता है, या जो आपकी बाइक है उसको आप चोक उठाकर करेंगे तो जो फ्यूल की डिलीवरी है वो एक्स्ट्रा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस, अब छठवें नंबर पर है क्लच पैडल प्रेस करके। जी दोस्तों, अगर ठंड का मौसम है तो आप जो क्लच पैडल उसको अगर प्रेस करके आप स्टार्ट करेंगे तो जो स्टार्ट होने के चांस वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आपकी गाड़ी BS4 है तो उसमें बिना क्लच दबाए आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो BS6 गाड़ी है उनमें आपको क्लच पैडल बिना प्रेस किए आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो BS4 गाड़ी है उनको भी आप प्रेस क्लच दबाकर ही आप गाड़ी की स्टार्ट करें, जिसकी वजह से जो ठंड के दिनों हैं उसमें गाड़ी स्टार्ट होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सातवें नंबर पर है गाइस बैटरी। जी दोस्तों, जिससे ठंड के वजह से जो उसमें पानी होता है, एसिड होता है, उसमें नमी या मॉइस्चरपन आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा बैटरी है वो स्लो वर्क में काम करता है, मतलब स्लो काम करता है, जिसकी वजह से आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि अच्छे से करंट ये उत्पन्न या करंट जनरेट नहीं कर पाता, या आपकी जो बैटरी है वो काफी पुरानी 2.5 साल या 3 साल हो गया है तो ठंड के वजह से अच्छे से करंट या जो करंट सप्लाई अच्छे से दे नहीं पाता है, तो भी आपकी जो गाड़ी उसमें आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है ठंड के दिनों में। तो गाइस, आप इसका जो है
वो अगर बैटरी काफ़ी पुराना हो गया है तो भी आप जो बैटरी उसे रिप्लेसमेंट कर दीजिए, या तो आप जो उसमें एसिड होता है उसमें पुराना हो गया है तो आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए, या उसमें न्यू एसिड डलवा दीजिए, जिसको जैसे आपको जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो देखने को आपको नहीं मिलेगा, आपका जो गाड़ी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे आप 8वें नंबर पर है एयर फिल्टर, तो गाइस आप लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहा हो एयर फिल्टर, तो गाइस जी हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, एयर फिल्टर में अगर आपका ज़्यादा गंदगी या ज़्यादा डस्ट रहेगा तो भी जो ठंड के दिनों हैं उनमें अच्छे से जो एयर का रेशियो अच्छे से प्रॉपर मिल नहीं पाता है कम्बक्शन चैम्बर में, तो भी आपको जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम वो देखने को मिलता है। तो गाइस जैसे भी अगर आप ठंड के दिन है तो जो एयर फिल्टर है उसको हमेशा क्लीन या साफ करके ही रखिए, ताकि आपको जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो देखने को आपको ना मिले। तो गाइस अब 9वें नंबर पर है एडलिंग आरपीएम, जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी ठंड के मौसम है, ठंड के मौसम में जो मॉइस्चर और नमी के कारण जो हम जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं 2-3 बार अगर हमारी जो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है तो भी हम जैसे ही क्लच दबाते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, या आप जैसे स्टार्ट उसके बाद जैसे ही क्लच दबाकर आप आगे या पीछे करेंगे तो भी कई बार क्या होता है जो हमारा गाड़ी वो बंद हो जाता है। ऐसे इसलिए होता है कि जो ठंड की वजह से नमी के कारण जो हमारा एडलिंग आरपीएम वो डाउन भी हो जाता है, तो आप ठंड के मौसम में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है आपकी गाड़ी में तो आप जो एडलिंग आरपीएम है उनको आप इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए किसी मैकेनिक के पास जाकर, जिससे आप जब भी आप क्लच दबाएंगे या आप गाड़ी आगे पीछे भी करेंगे तो भी जो आपकी गाड़ी है वो अच्छे से प्रॉपर ढंग से काम करेगा, बंद नहीं होगा, जिसके वजह से आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस एडलिंग जो इंक्रीज है एडलिंग आरपीएम उनको भी आप इंक्रीज करके सेट करके रख लीजिए। 10वां दोस्तों टैपेट सेटिंग, हाँ दोस्तों जिससे ठंड की वजह से नमी या मॉइस्चर आ जाती है उसमें सिकुड़नपन, जिसकी वजह से हाँ जो हमारी स्टार्टिंग उसको स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो आप जो टैपिट की सेटिंग उसको भी आप सेट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 11वें नंबर पर हम बात करते हैं स्टार्टर मोटर, अगर आपका जो स्टार्टर मोटर है वो काफ़ी लंबे समय हो गया है तो भी ठंड के दिनों में अच्छे से वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता, या ठंड से पहले अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है और आप बाद में चेंज करवाएंगे करके अगर छोड़ दी हो तो ठंड के दिनों में वो अच्छे प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से आप जब भी आप सेल्फ लेते हैं तो उसमें खर खर की आवाज़ या लंबा सेल्फ लेके काफ़ी लंबा सेल्फ लेके वो स्टार्ट होता है, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप जो सेल्फ है उसको स्टार्टर मोटर उसको आप रिपेयर या रिप्लेसमेंट कर दीजिए। रिपेयर में आपका कार्बर वेंडेक्स और आर्मेचर रहता है, तीनों में से अगर कोई सभी प्रॉब्लम है रिपेयर वाले मैकेनिक जो बोलते हैं तो आप उसे रिप्लेसमेंट या उसे ठीक करवा के आप जो स्टार्टर मोटर है उसको आप ओके करके रख लीजिए, ताकि जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो आपको देखने को ना मिले। 12वां दोस्तों आपका डीजल या पेट्रोल हो, दोनों में आपका जो ठंड के वजह से उसमें नमी या मोसरपन आ जाती है, जिसकी वजह से जो आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो भी आपको देखने को मिलता है, तो वैसे आप डीजल या पेट्रोल है उसको आप अच्छे थोड़े ग्रेड के आप डलवाए, ताकि ठंड के दिनों में आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को न मिले। 13 नंबर पर है आपका, अगर जो फ्यूल पंप है वो 200 से 250 250 बार के बीच अगर आपका जो फ्यूल है वो जनरेट कर रहा है तो आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी को अगर अच्छे ढंग से स्टार्ट होना है तो 250 से 300 बार के बीच बनाना पड़ेगा इंजेक्टर का जो फ्यूल है वो, तभी जाकर आपका जो गाड़ी है वो स्टार्ट आपका होगा। उसके बाद है दोस्तों 14 नंबर पर आपका फ्यूल इंजेक्टर, अगर आपको जो फ्यूल इंजेक्टर है उसमें जो रिटर्न आता है उसका जो फ्लो है अगर वो ज़्यादा रहेगा तो भी आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ये आपका डीजल इंजन गाड़ियों में ज़्यादा होता है, जो उसके इंजेक्टर के जो रिटर्न पाइपलाइन है उसमें अगर जो फ्यूल का जो फ्लो है वो ज़्यादा रहेगा तो भी आपकी जो गाड़ी है उसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस इसको भी आप जो डीजल मैकेनिक रिपेयर करते हैं उसके पास जाकर आप जो इंजेक्टर उसको ओके करा लीजिए, ताकि आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को सर्दियों में ठंड में स्टार्टिंग प्रॉब्लम होने के कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो गाइस जो मैं तरीका बताया हूँ सोल्यूशन और प्रॉब्लम उसको आप आजमाएंगे तो जो आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो आपका नहीं आएगा ठंड के दिनों में। तो गाइस ये वीडियो आपको मेरा कैसे लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, और आपको कौन से रिलेटेड वीडियो चाहिए उसको आप मेरे को कमेंट में बताओ,
जिसकी वजह से मैं आगे आपको उसके बारे में वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। धन्यवाद।